मुजफ्फरपुर में हुए एक्स मेयर समीर कुमार की हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस के हाथों लग चुके हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की एसएसपी हरप्रीत कौर ने पहले ही मीडिया से बातचीत में कहा था कि उनके हाथों कुछ अहम सुराग लगे हैं। अब इस सीसीटीवी फुटेज के आने के बाद से पुलिस को हत्यारों की गिरफ्तारी में काफी मदद मिलेगी। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हत्या में सामने आई है। आप देख सकते हैं दो बाइक सवार हैं, पहले आते हैं सड़क पर एक दुकान के पास किनारे, वो बाइक रोककर खड़े होते हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें पहले से पता है कि इसी रास्ते से एक्स मेयर समीर कुमार गुजरने वाले हैं। अचानक जैसे ही उनकी गाड़ी उस सड़क पे दूसरी तरफ से आती है, वो बाइक सवार अचानक से एक्टिव हो जाते हैं। आप तस्वीरों में ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो एरो की है उन्हीं बाइक सवारों की तरफ इशारा कर रहा है जो इस हत्या में शामिल है। ये वही हत्यारे हैं जो इंतज़ार कर रहे थे पहले से कि समीर कुमार की गाड़ी कब वहाँ से गुजरती है और वो अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं। समीर कुमार की गाड़ी रास्ते से आती है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो जो हेडलाइट की तस्वीरें आपको दिख रही हैं वही है समीर कुमार की गाड़ी, वहाँ से गुजरती है। बाइक सवार पे दो युवक बैठे हैं हेलमेट पहन करके, उनके हाथों में AK-47 जैसे हाईटेक वेपन्स हैं। लोडेड हाईटेक वेपन्स के साथ वो समीर कुमार की गाड़ी की तरफ टूट पड़ते हैं। अचानक से गाड़ी उनके सामने बाइक को रोक दी जाती है और गाड़ी को दोनों तरफ से घेर लिया जाता है। आगे और पीछे दोनों तरफ से AK-47 से अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई ताकि वो समीर कुमार किसी भी हालत में बच नहीं सके। आपको मालूम हो कि इस तरह के वेपन्स के हथियार तभी इस्तेमाल होते हैं जब ये हो कि उनको जो जिसको मारने के लिए अपराधी पहुंचे हैं उसकी बचने की कोई गुंजाइश नहीं हो। कहा जा रहा है कि सुपारी किलर्स ने इसको अंजाम दिया है। फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए और समझिए कि बिहार में किस तरह से अपराधी सड़क पर खुलेआम बाइक पर AK-47 जैसे हथियार लेकर के मूव कर रहे हैं। जाहिर है कि 20 सड़क पर एक्स मेयर समीर कुमार की हत्या की गई। AK-47 जैसे अत्याधुनिक हाईटेक वेपन्स के साथ हत्यारे सड़क पर बाइक से मूव कर रहे थे। वे इंतजार कर रहे थे कि कब एक्स मेयर की गाड़ी उस रूट से गुजरती है और उनको निपटाने का काम पूरा किया जाता है। कहा जा रहा है कि हत्यारे सुपारी किलर्स थे। इस बीच इस सीसीटीवी फुटेज के आने के बाद से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है इससे हत्यारों की तलाश में। हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। हमारे YouTube चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, इसके साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें।